तो टॉपिक का नाम है बैटरीज इन सीरीज एंड पैरेलल। जैसे हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेस होती हैं सीरीज में कुछ पैरेलल में, हम क्या करते हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अगर सीरीज में है तो उनको ऐड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, अगर पैरेलल में है तो फॉर्मूला लगा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालते हैं। उसी तरीके से बैटरीज का भी सेम कॉन्सेप्ट है। बैटरीज या तो आपको एक सर्किट में सीरीज में गिवन होंगी या कुछ बैटरीज आपको पैरेलल में गिवन होंगी, तो आप अपना काम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप दो या तीन बैटरीज की जगह एक बैटरी ना लगाएं, क्योंकि आपको आदत है एक बैटरी में काम करने की। तो हम क्या करेंगे, बैटरीज इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जैसे सपोज करो आपके पास इस डायग्राम में दो बैटरीज हैं, एक बैटरी है E1, एक बैटरी E2, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी साथ में कनेक्टेड है, कितनी, कैपिटल R। तो डायग्राम है, आपको इसमें क्या करना है, दो बैटरीज की जगह अगर मैं एक बैटरी लगाऊं तो मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि इक्विवेलेंट बैटरी की EMF क्या होगी, जब दो बैटरीज किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, और ऐसी हम केस करेंगे जब दो बैटरीज किस में कनेक्टेड है, इन पैरल में। तो मान लो पहला केस है सीरीज में, बैटरी सीरीज में तब सही मानी जाती हैं कनेक्टेड हैं जब बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, अगर मैं ऐसा भी कनेक्ट कर सकता था पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर उल्टी बैटरीज हो जाती, ऑपोजिशन में हो जाती। इसके अंदर बिल्कुल सही कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर आगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर एक बैटरी सीधी है पॉजिटिव नेगेटिव और यहां से नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस केस में हम बोलते हैं कि बैटरीज ऑपोजिशन में। क्या करना है उसमें अभी बताता हूं, पर इस केस में क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप टोटल ईएमएफ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप दोनों की ईएमएफ को ऐड करके ई1 प्लस ई2 निकाल सकते हैं। पर लेकिन इसको करने के लिए, इसका प्रूफ करने के लिए कि क्या करना है, इसके लिए मैंने ये माना कि मान लो इसमें कितना करंट बाहर निकला आई, बैटरी का क्या रूल है कि जितना करंट बाहर निकलेगा एंटर भी पीछे से उतना ही करेगा, तो आई करंट आया या आई करंट आया, आई करंट एंटर कर गया, तो नेगेटिव टर्मिनल में कितना करंट एंटर कर गया आई, तो पॉजिटिव से भी कितना निकलेगा आई, तो इसका मतलब ये पूरा करंट आई पूरे सर्किट में घूमने वाला है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो आई करंट पूरा सर्कुलेट होगा पूरे सर्किट में, कोई डाउट इसमें। अब अगर मैं इसमें किरचॉफ का लॉ लगाऊं, हमने किया था सेकेंड लॉ, लूप लॉ क्या था, मान लो यहां पे लगाता हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, जब मैं करंट की डायरेक्शन में जाता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव में लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस आई इंटू कैपिटल आर। फिर मैं कहां पर आऊंगा, करंट की डायरेक्शन में आऊंगा, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आई इंटू आर टू। फिर मैं माइनस से प्लस पे जाऊंगा, जब मैं माइनस से प्लस पे जाता हूं, लोअर से हायर पोटेंशियल पे जाता हूं, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करेंगे प्लस ई टू। फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस आई इंटू आर वन। फिर माइनस से प्लस पे जा रहा हूं, माइनस से प्लस का मतलब प्लस ई वन, और नेट सम क्या आएगा, इक्वल टू जीरो। तो आपने इसमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगा दिया, सेकेंड लॉ लगा के करंट वाली टर्म्स एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व करके आपने करंट निकाल दिया। अब हमने ये सीखा हुआ है जो टोटल करंट होता है वो क्या होता है, टोटल करंट होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि दो बैटरीज की टोटल ईएमएफ की वैल्यू कितनी आई, ई1 प्लस ई2। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, तो जो चीज़ मैंने ओरली वैसी बता दी थी ई1 प्लस ई2, पर यहाँ पर मैंने आपको किरचॉफ लॉ से प्रूव करके बताया कि टोटल रेजिस्टेंस ई1 प्लस ई2 एंड टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब क्योंकि दो बैटरी सीरीज में है तो टोटल, जब दो बैटरी की जगह एक बैटरी लगेगी तो जो नई बैटरी होगी उसकी रेजिस्टेंस इंटरनल क्या होगी, R1 प्लस R2, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। और बैटरी की EMF क्या होगी, सिंगल बैटरी की E1 प्लस E2 होगी। तो बैटरी की EMF E1 प्लस E2 होगी और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपको सिर्फ यही चीज़ बताता है। तो इक्विवेलेंट EMF क्या होगी, E1 प्लस E2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये वैसे ही क्लियर है। अब अगर बैटरी उल्टी कनेक्टेड है, जैसे डायग्राम तो सेम है, बिल्कुल सेम डायग्राम है, लेकिन ऐसा कनेक्शन है कि ये प्लस है ये माइनस है, फिर ये माइनस है और ये प्लस है, ये E1 है और ये E2 है, तो ऐसे केस में आप EMF ऐड नहीं करेंगे। आप इसमें क्या करेंगे, या तो E1 में से E2 माइनस करेंगे या E2 में से E1 माइनस करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे,
बड़ी ईएमएफ में से छोटी ईएमएफ को आपने माइनस करना है, तो मैंने यहाँ पर साइन क्या लगा दिया, मॉड, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे सिंपली। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? और सोचो अगर बैटरीज उल्टी कनेक्टेड हैं और ईएमएफ बराबर है तो फिर नेट ईएमएफ क्या आएगा, ई में से ई गया जीरो, तो उस केस में उसमें कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि दो बैटरीज इक्वल आइडेंटिकल बैटरीज अगर ऑपोजिशन में होती हैं तो वो करंट जो है जनरेट नहीं कर पाएंगी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या करना है। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मान लो अब ये दो बैटरीज पैरेलल में हैं, E1 R1, E2 विद R2 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R। मैं ये चाहता हूँ कि दो बैटरीज की जगह मैं एक बैटरी लगाऊँ, दो बैटरीज की जगह मैं एक बैटरी लगाऊँ और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। तो एक काम करेंगे, इसको करने के लिए आपको ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए प्रूफ है, आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, दैट्स इट। तो लेकिन आपको समझाने के लिए से बता रहा हूँ कि इसने कैसे किया। तो आप इसमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाएं, किस में लगाएं, पहले आप ये वाला डायग्राम लें, लेकिन डायग्राम से भी पहले और काम कर लेते हैं। मान लेते हैं इस बैटरी ने कितना करंट बाहर निकाला I1, इस बैटरी ने कितना करंट बाहर निकाला I2, और दोनों करंट्स मिल गए, मिलके टोटल करंट कितना आया, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। तो I का मतलब यहाँ पर क्या है, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 I करंट यहाँ पर आया, फिर डिवाइड हो गया, क्योंकि इसने I1 करंट बाहर निकाला था तो यहाँ पर भी क्या एंटर करेगा, I1। इसने I2 निकाला था तो I2। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है, I1 प्लस I2 करंट गया और पीछे से भी I1 प्लस I2 करंट आ गया, कोई डाउट इसमें? तो अब इस केस में अगर मैं किरचॉफ का लॉ लगाऊं, किस में, पहले ये वाला लूप लेंगे, आउटर लूप ओनली, जिसमें बैटरी नंबर 1 आती है बस, इसके अंदर जब मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो -I × R, फिर मैं यहां से जा रहा हूं -I1 × R1, यहां पे चेक करो, ये देखो -I × R, यहां से -I1 × R1, माइनस से प्लस पे जा रहा हूं तो प्लस E1 इक्वल टू जीरो। तो मैंने किरचॉफ का लॉ लगाया, फिर दूसरा लॉ मैंने यहां लगाया, नीचे वाले डायग्राम में लगाया, कौन से, बस इसमें लगाया, बस ये देखो इसमें लगाना है, ये भी लूप है, तो इसमें कितना करंट है I2। तो स्टार्ट करें, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं -I × R, फिर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -R2 × I2, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं प्लस E2 इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने किरचॉफ का लॉ लगाया और दो इक्वेशंस बना ली, आपने नहीं बनानी, आपको कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं कि कैसे बना रिजल्ट। तो दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को आपने एक के नीचे एक रख लिया, लिख लिया, फिर आपने ऊपर वाली इक्वेशन को दोनों साइड्स को R2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली इक्वेशन को R1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये दो नई इक्वेशंस आ गई, मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने इन्हें ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये इक्वेशन आई जिसमें I वाली टर्म एक तरफ, ये कॉमन वाली टर्म्स एक तरफ, इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करके कुछ ऐसा टर्म आया, क्योंकि मेरे को इसमें I निकालना है तो इसमें से भी मैंने I कॉमन निकाल लिया, इसको इसके नीचे ले गए और फाइनल रिजल्ट पे आते हैं, वो कैलकुलेशन आपसे कोई पूछ नहीं रहा, फाइनल ये करंट आ गया। तो करंट होता क्या है, करंट होता है टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन एक काम करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस बोलो क्या होगी, इसमें ये दो सेल्स किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, और अगर ये पैरेलल में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी इसमें, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगी इसमें, आर। तो यही इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो मेरा रिजल्ट इस फॉर्म में अभी आया नहीं था, अभी आया नहीं। एक और एक्स्ट्रा स्टेप है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को R1 प्लस R2 से डिवाइड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको भी कर लिया। डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये टर्म कट जाएगी, 1 हो जाएगा, ये R बच गया, और इसको R1 प्लस R2 से डिवाइड कर लिया। अब बात बन रही है कैसे, क्योंकि करंट निकला, करंट के डिनोमिनेटर में क्या आया, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब न्यूमिनेटर में क्या होगा, इक्विवेलेंट EMF। तो ये फॉर्मूला बन गया कि अगर बैटरीज पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का ये फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, E1 × R2 प्लस E2 × R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर आपकी बैटरीज आज के बाद दो बैटरीज पैरेलल में है, दो बैटरीज पैरेलल में है,
EMF पहली बैटरी की E1 है, रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड बैटरी E2, रेजिस्टेंस R2। दो बैटरी की जगह जब आप एक बैटरी लगाएंगे तो उसकी EMF क्या लिखेंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। कोई डाउट इसमें? तो आपको E1 R1 E2 R2 सब गिवन होगा, आप इक्विवेलेंट EMF को निकाल सकते हैं। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक और शॉर्टकट है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को R1 into R2 से डिवाइड कर दो, इसको भी कर दो और इसको भी कर दो, तो हर टर्म को R1 R2 से डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। मेरे को ये फॉर्मूला तब बेनिफिशियल लगता है, बात एक ही है, ये करो या ये फॉर्मूला करो एक ही बात है, पर मेरे को ये फॉर्मूला तब बेनिफिशियल लगता है जब आपके पास दो से ज़्यादा बैटरीज होंगी। देखो अगर दो बैटरीज की बने क्वेश्चन में फिर तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बात खत्म, आप ये फॉर्मूला लगाओ इक्विवेलेंट EMF निकाल दो, खत्म। लेकिन कल को अगर तीन बैटरीज होंगी ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, क्योंकि आपको E3 तक फॉर्मूला पता ही नहीं क्या लगेगा। फिर अगर तीन चार बैटरीज होंगी फिर ये लगाना E1 by R2 आएगा, यहाँ पे करेक्शन है, E2 by R2। अगर मान लो तीसरी बैटरी भी होती तो E3 by R3, चौथी होती E4 by R4, डिवाइडेड बाय 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, 1 by R4। तो ये रिजल्ट एक्सपेंडेबल है, ये रिजल्ट एक्सपेंडेबल नहीं है। तो आपके पास अगर दो बैटरीज हैं फिर तो आप दो देखो लगा जो मर्जी लो, ये भी लगाओ ये जो मर्जी लगा लो, लेकिन जब दो बैटरीज हैं तो ये एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है, जब तीन बैटरीज हैं फिर ये नहीं चलेगा, फिर सिर्फ यही चलेगा। तो क्लियर है यहाँ तक? और अगर बैटरीज पैरेलल में हैं तो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही पैरेलल का 1 by R1, 1 by R2 का ही लगेगा। तो रिजल्ट क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? रिजल्ट क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसे लगाएंगे, इसको लगा के देखते हैं न्यूमेरिकल्स में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो इसको कैसे लगाना है। ठीक, तो इसमें जो इस बार मेंस का पेपर आया आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में रिव्यूज़ पढ़े होंगे, गूगल पे पढ़ लिया, सबसे आसान मुश्किल मॉडरेट काफियों के रिव्यूज़ आए हैं। मेरे को फिजिक्स का पता है, फिजिक्स के अंदर सिंपल और मॉडरेट आया है, मानोगे आप अगर मेरी शीट्स भी कर जाओगे ना, सिर्फ शीट्स तो भी क्लियर हो, सीधे सीधे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलते रहा हूँ। कैपेसिटर का क्वेश्चन आया है, एक कैपेसिटर है, डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, D/2 कैपेसिटेंस बोलो क्या होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ऐसा क्वेश्चन आया है आप सोच भी नहीं सकते, इतना आसान, दो सीरीज में एक पैरेलल में डन, खत्म हो गया, NCERT में से शीट में से सीधा। तो मुझे नहीं पता इस बार उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर बार मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन आता है मॉडरेट आया, ये भी नहीं कि सारे ऐसे आए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का आना भी एक बहुत बड़ी बात है, स्टूडेंट को मोटिवेट करता है कि नहीं यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मतलब ऐसे आएंगे 5-7 तो मैं भी उड़ाई दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी कुछ और मेहनत करूँगा तो 15-18 तो ले ही आऊँगा। तो इतना मुश्किल पेपर नहीं है, तो मतलब जो मैं फील कर रहा हूँ कि फिजिक्स के अंदर देखो कई साल ऐसे होते हैं जब फिजिक्स भी मुश्किल आती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पेपर में ऐसा हुआ दूसरे में भी फिजिक्स में मॉडरेट आती है, ऐसा है नहीं। पर हाँ इस बार जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया, मैथ्स लोगों को मैंने सुना है कि लिखा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने, मुश्किल नहीं था, उन्होंने लंबा लिखा लेंथी लिखा शायद पेपर, टाइम लग रहा था सॉल्व करने में, और केमिस्ट्री ठीक इजी और मॉडरेट के बीच में है, फिजिक्स इजी मॉडरेट, मैथ्स में हमेशा ही टाइम लगता है, ये सबको पता ही है यार, मैथ्स कुछ चलता फिरता ये तो है नहीं कि आपने कर दिया, मेहनत मांगता है, फिजिक्स भी मेहनत मांगती है, केमिस्ट्री भी, तीनों सब्जेक्ट जितने जो मेहनत करेगा वैसे उसका रिजल्ट आएगा। तो मैंने आपको बता दिया ये कंप्लीट एनालिसिस है, बाकी जो पेपर्स आएंगे अभी तो आ रहे हैं पेपर्स, किताब आ जाएगी 2 महीने में इसकी, तो मैंने यही सोचा है कि 2020-21 तो आपको क्लासेस साथ ही करवा देंगे, और जो 22 का पेपर है वो दिसंबर जनवरी में कर लेंगे, उतना ही हो पाएगा, 2 महीने में ज़्यादा हो भी नहीं पाएगा, काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, तो उससे अपना फिर उसके बाद टेस्टिंग पे आ जाएंगे, तो यही प्लान है, और इस तरीके से हमारी तैयारी हो जाएगी। तो आपको बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते, आज रिपोर्ट कार्ड सेंड किए हैं मैंने काफ़ी लोगों, अब आई होंगी सब काफ़ी उनके पेरेंट्स भी शायद दिखा रहे होंगे मुझे पता नहीं, तो उसमें कई लोगों ने मिस किए हैं टेस्ट। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट मिस कर रहे हैं आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, मतलब मुझे पता नहीं कैसे। ऑनलाइन टेस्ट मिस करने का मतलब कई लोग सोचते हैं कि 25 क्वेश्चन तो है मिस कर दिए क्या हो गया, नहीं वो 25 क्वेश्चन नहीं है, वो जो तैयारी लग रही थी ना एक हफ्ते की वो आपने मिस कर दी,
वो टेस्ट एक घंटे का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को भी पता है कुछ नहीं है 25 क्वेश्चन में, जो मर्जी आप कुछ भी ना करो, जाके ABCCC कराओ, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें, तब भी 5-7 नंबर तो फिर भी स्कोर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, वो मेरे को भी पता है। और वो पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी पता है कि वो कितनी ईमानदारी से टेस्ट देगा और वो ईमानदारी से नंबर लेगा, वही उसके नंबर होंगे। अपना अपना लेवल है, अपनी अपनी सोच है, और वैसा रिजल्ट आएगा जैसी आपकी सोच होगी, ये मैं आपको बता दूंगा। आप शॉर्टकट मारोगे आपका रिजल्ट भी शॉर्टकट मार जाएगा, कुछ नहीं आएगा। आप मेहनत करोगे आपका रिजल्ट भी बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक। तो आप सही तरीके से करो काम। मैंने आपको बताया कि बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो मैं क्लास में डिस्कस भी नहीं करता, मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग में तो बहुत टफ क्वेश्चन थे, वो तो मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि पिछले 3-4 साल से जो मैं देख रहा हूँ पेपर, बहुत हाई लेवल बहुत मुश्किल पेपर्स आ भी नहीं रहे। कभी कभी रिकॉर्डिंग में डाल रखे हैं मैंने, जैसे सॉलिड एंगल भी बताया था मैंने, वो उतना आ भी नहीं रहा। ऐसे कई वीडियो और भी आएंगे अभी देखना, जिसके अंदर कुछ अलग ही लेवल है, लेकिन वो ठीक है, आप ऑप्शनल सुन सकते हो। लेकिन अगर आप एक मॉडरेट लेवल की बात करते हो तो मॉडरेट लेवल ऐसे ही मॉडरेट लेवल होता है सेम, राइट। तो आप प्लीज़ तैयारी करो, आप इसको लाइटली मत लो। टाइम बहुत कम है हमारे पास, अब जुलाई स्टार्ट हो गया, 7-8 महीने रह गए टोटल। दिसंबर में अगर आप शुरू करोगे 100% आपकी सिलेक्शन नहीं होती पक्का। ठीक है यार, जिस जो अब नहीं शुरू कर रहा है दिसंबर में, 3 महीने में क्या कर लेगा, जो 8 महीने 2 साल में नहीं किया, 2 महीने में क्या कुछ नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है, प्लस टू को सही तरीके से कर लो, प्लस टू दिसंबर तक सही लैंड करवा दो। हाँ 2 महीने में प्लस वन हो सकती है, वो फिर भी हो सकता है कि चलो एटलीस्ट मेन चैप्टर्स हम वॉल्यूम टू भी कर जाएं तो भी हम पार हो जाएंगे। पर ये नहीं हो सकता मैं प्लस टू भी ना करूं, मैं प्लस वन भी ना करूं, और मैं ये सोचूं कि मेरा रिजल्ट भी बढ़िया आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक। तो मेहनत करो और इसको क्वेश्चन को ट्राई करो। तो यहाँ तक क्लियर है, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम एक काम करते हैं इसके ऊपर, सब्जेक्टिव शीट नंबर 12, सब्जेक्टिव शीट नंबर 12 पे चलते हैं। अभी काफी लोगों ने SHM वेव भी किया होगा, SHM किया, कितने लोगों ने ट्राई किया SHM वेव्स, कर लिया, रिवाइज कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, किया SHM वेव्स। उसके पुराने पेपर देखे आप लोगों ने, अगर आप ओवरऑल देखो तो 80% पेपर बहुत मुश्किल नहीं लगा होगा आपको। देखो 20% तो रहेगा ही रहेगा, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, ये भी नहीं है कि सारा कुछ ही आता, ऐसा होता नहीं है, 2-4 तो प्रॉब्लम रहती रहती हैं, बट ओवरऑल अगर आपने देखा हो तो बहुत टफ टाइप क्वेश्चंस नहीं आते, 80% या 75% पेपर नॉर्मली आता है। ऐसी मैं वेव्स का दूंगा, ऐसी थर्मोडायनेमिक्स का दूंगा, तो जो जो प्लस वन साथ साथ कंटिन्यू कर रहे हैं वो प्लीज़ इन दो तीन चैप्टर्स को मैंने बोला था वो एटलीस्ट करके रखें। ये 3 भी अगर आपने अभी कवर कर दिए या 1 महीने में कवर कर दिए तो भी बहुत आराम हो जाएगा, तब भी 3 उस टाइम कर लेंगे दिसंबर में, 3 जनवरी में कर लिए, 3 अब कर लिए, 9 हो गए, डन हो गया, बस खत्म प्लस वन और गए चाहिए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं शीट नंबर 17। ये शीट के अंदर इक्वलेंट EMF के न्यूमेरिकल्स गिवन है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ सेल्स गिवन है, 3 सेल्स गिवन है, ये पहला सेल है 2 वोल्ट जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेकंड सेल 1.2 जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.7 है, थर्ड 1.5 वोल्ट जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 गिवन है, क्लियर है। बोलो ये किस में कनेक्टेड, सीरीज की पैरेलल, ये सीरीज में है, और सीरीज में है सीधे कनेक्टेड के कोई उल्टा भी कनेक्टेड है, चेक करें, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, सीक्वेंस एकदम बराबर चल रहा है, तो यानी कि सब सीधे कनेक्टेड है। जब सीधे कनेक्टेड है तो ये 3 सेल्स की जगह पर एक सेल लगेगा, तो उसकी टोटल EMF क्या आएगी, E1 प्लस E2 प्लस E3, क्लियर है यहां तक। तो इस केस में जब ये सेल्स सीरीज में होंगे तो टोटल EMF E1 प्लस E2 प्लस E3 आएगा, राइट। और टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस में R1 प्लस R2 प्लस R3, और एक्सटर्नल भी ऐड होगी, कितनी, 4। तो टोटल रेजिस्टेंस यहां पर 4 भी ऐड कर लेना, सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, क्लियर है यहां तक। वो पूछ रहा है टोटल करंट कितना बाहर निकलेगा बैटरीज में से, टोटल करंट क्या होता है, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF है, टोटल रेजिस्टेंस है आंसर। अब सोचो सेम क्वेश्चन है, एक सेल उल्टा कनेक्टेड होता तो क्या होता, इक्विवेलेंट EMF क्या होती, E1 प्लस E2 माइनस E3, जो उल्टा कनेक्टेड है वो माइनस कर देंगे, क्लियर हो गया। और उल्टा भी नहीं कनेक्टेड, ऐसे बोलना चाहिए कि जो सीधे कनेक्टेड हैं उनकी EMF अलग कैलकुलेट कर लो,
जो उल्टा कनेक्टेड है उनकी अलग कैलकुलेट कर लो, बड़े में से छोटी को माइनस करना, ईएमएफ नेगेटिव नहीं आएगी, ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। और टोटल रेजिस्टेंस, अगर एक सेल उल्टा भी कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री वो सीरीज में ही रहेंगी। अगर कोई सेल बीच में उल्टा भी कनेक्टेड है, आप मॉड ले लेना, क्या फर्क पड़ रहा है, दो एक जैसे हैं एक अलग है ना, तो जो एक जैसे हैं उनकी एमएफ ऐड कर लो, जो अलग है उनकी अलग रख लो, दोनों को माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस करना है, नेगेटिव नहीं निकालना, बात खत्म, क्लियर है। और अगर बिल्कुल समझ में नहीं आता, किरचॉफ लॉ लगा दो यार, खत्म, करंट निकाल लो जो उल्टा सीधा, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर दो सेल्स हैं, अगर तो सीधे कनेक्टेड हैं फिर तो E प्लस सी, और अगर एक सीधा एक उल्टा कनेक्टेड है तो E माइनस सी, फिर नहीं फ्लो करेगा। तो EMF इक्वल होगी, तो एक E है एक E है एक E है, अगर सीधे कनेक्टेड है तो थ्री है थ्री E, अगर एक उल्टा कनेक्टेड है तो टू E माइनस E E, वो तो बोल रहा हूँ ना, बड़े में से छोटा माइनस कर देना है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक, राइट। तो इसमें टोटल करंट आ जाएगा। अब वो एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में भी ये कह रहा है कि अगर मान लो ये जो सेल्स हैं वो किस में कनेक्टेड होते, पैरेलल में, तो करंट क्या होता। तो एक काम करें, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो इस केस में ये बताओ इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू क्या होती पैरेलल में, क्या फॉर्मूला लगाते हम, ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू प्लस ई थ्री बाय डिवाइडेड बाय वन बाय आर वन वन बाय आर टू वन बाय आर थ्री, सॉल्व करके पहले ईएमएफ आती, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आती, वन बाय आर वन वन बाय आर टू वन बाय आर थ्री, वहां से आर की वैल्यू आती, फिर वहां से करंट आता, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है, इसको और बेटर समझने के लिए इस क्वेश्चन के अलावा हम अगला क्वेश्चन ही कर लेते हैं, तो एकदम पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है टू आइडेंटिकल बैटरीज, तो दो आइडेंटिकल बैटरीज हैं, ये रही आइडेंटिकल का मतलब दोनों की ईएमएफ भी सेम है और दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम है, तो ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। और एक दो रेजिस्टेंसेस और हैं एक्सटर्नल, वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। ये डायग्राम आपको गिवन है। ईएमएफ बैटरी की कितनी है, 1.5 वोल्ट है, ये भी क्लियर है। अब वो कहते हैं कि जब इनमें से करंट बाहर निकलता है, जब इस बैटरी में से करंट बाहर निकलता है तो ईएमएफ वैसे तो 1.5 वोल्ट की है, लेकिन जब करंट बाहर निकलता है, क्योंकि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो उस केस में बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट की से थोड़ा गिर जाता है, कितना हो जाता है, 1.4 वोल्ट हो जाता है। इस 1.4 वोल्ट का नाम क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1.5 क्या है, ईएमएफ, 1.4 क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और फॉर्मूला क्या होता है वी और ई का, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ये भी हमने किया हुआ है। और हमने ये भी किया हुआ है ऐसे केसेस में, ऐसे क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चंस में आपको ई और वी का कॉन्सेप्ट गिवन हो, जिन क्वेश्चन में आपको ई और वी दोनों का कॉन्सेप्ट गिवन हो, तो हमने ऐसा किया कि वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, पहला फॉर्मूला। और मैंने आपको लास्ट टाइम एक और फॉर्मूला करवाया था कि स्मॉल आर कैलकुलेट करने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिखवाया भी था लास्ट क्लास में, तो ये फॉर्मूला आज काम आएगा कि जिन क्वेश्चन में ई गिवन होता है, वी गिवन होता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर गिवन होता है, और सीधा वहां से इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करनी है, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। क्लियर है यहां तक। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है मुझे, इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि मुझे इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, मुझे इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, इसे आसान करते हैं थोड़ा सा, ये 17 और 17 किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, तो आंसर क्या आएगा, 8.5। ये दो बैटरीज किस में कनेक्टेड है, पैरेलल, तो मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ का ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ई वन आर टू ई टू आर वन प्लस आर टू। तो इसके अंदर
EMF पता है आपको 1.5 इंटरनल आर है, 1.5 इंटरनल आर आर पुट करके सॉल्व करके आंसर फिर से क्या आ गया 1.5, कैंसिल करने के बाद आंसर फिर से क्या आ गया 1.5। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एक ना शॉर्टकट याद रखेंगे, अगर आपके पास आइडेंटिकल सेल्स हैं, दो हैं, 200 हैं और पैरेलल में हैं, और सबकी ईएमएफ सेम है, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो आपको ये इक्विवेलेंट ईएमएफ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर 1.5 ही आएगा, शॉर्टकट है। कब? जब आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल नहीं है, E1 E2 डिफरेंट है या R1 R2 डिफरेंट है, फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इक्विवेलेंट ईएमएफ सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप सीधा 1.5 आंसर बोल देना। क्लियर है? तो इसमें ये 8.5 है, इन दो बैटरीज की जगह मैं एक सेल लगा सकता हूँ कितना 1.5 का, और जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, R और R किस में है, पैरेलल में, तो आंसर क्या आएगा R/2। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे अलग से बनाऊँ तो क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ कि ये आपके पास कितना हो गया 8.5 ओम। फिर मैंने कहा कि एक बैटरी दो की जगह एक बैटरी ले लेते हैं जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है R/2, 1/R, 1/R, R/2, जिसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी है 1.5 वोल्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मैंने अपने डायग्राम को इजी कर लिया, इजी करके ये बना लिया। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि जब इस सर्किट में से करंट बाहर निकलता है तो जो ईएमएफ 1.5 वोल्ट है वो 1.5 नहीं रहती, वो यहाँ पर क्या हो जाती है 1.4 वोल्ट हो जाती है। तो आपको निकालना है इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कितनी है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया क्या कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल आर इंटू ई अपॉन वी माइनस वन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला भी करवाया मैंने। अब जो मेरा सेल है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर नहीं है, कितनी है R/2। तो मैं इस सेल के लिए काम कर रहा हूं तो यहां पर स्मॉल आर नहीं होगा, यहां पर क्या पुट करेंगे R/2 इज इक्वल टू कैपिटल आर। कैपिटल आर कितना है 8.5, ई कितना है 1.5, वी कितना है 1.4। तो सॉल्व करके आर कैन बी कैलकुलेटेड, ऐसे आंसर आएगा। तो स्टेप समझ में आ रहा है? पहले आप दो सेल्स की जगह एक सेल लगा लें, साथ की साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लें, फिर वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी कैलकुलेट, अब मान लो ये तीन सेल होते तो तीन सेल में ये R/3 हो जाता, चार सेल होते R/4 हो जाता, तो जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी इस सेल की वो आपने यहाँ पुट करते नहीं, यहाँ से आर निकाल लेना है। क्या ये मेथड क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, तो इस केस में यहां से स्मॉल आर कैन बी कैलकुलेटेड, जब आप सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आएगी 1.2 ओम आंसर आ रहा है, राइट? तो एक काम करें, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, इसको ना देखें, अपना ही देखें कैसे करेंगे, क्वेश्चन रीड करें और ट्राई करें।
ठीक। तो पहला शॉर्टकट क्या है इसमें, चार बैटरीज हैं, आइडेंटिकल हैं। वैसे तो मैंने बोल दिया करने की जरूरत नहीं है, चार बैटरीज की जगह जब एक बैटरी लगेगी तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाया आपने, पर मैंने बताया था करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आंसर फिर से क्या आएगा इसका, ई ही आएगा। तो चार की जगह एक बैटरी लगेगी ई की, और चारों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, आर बाई फोर। तो इसका मतलब, और ये 15 15 पैरेलल में तो क्या देगा, 7.5। तो इट मींस कि मेरे पास अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैंने चार बैटरी की जगह एक बैटरी लगा दी जिसकी इंटरनल कितनी है, आर बाय कितनी, फोर, चार थी ना तो स्मॉल आर बाय फोर। फिर उसके बाद यहाँ पर एक एक्सटर्नल थी, बोलो एक्सटर्नल की वैल्यू क्या थी अभी, 7.5 ओम, राइट। ये सिचुएशन हो गई। कैपिटल ई की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल ई की वैल्यू देखो कितनी गिवन है, कैपिटल ई गिवन है 2 वोल्ट, और जब करंट बाहर निकलेगा तो 1.6 वोल्ट। तो ई कितना है, 2 वोल्ट, वी कितना है, 1.6 वोल्ट। तो वापस चलते हैं इसमें, तो इसमें ई की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट, और वी की वैल्यू कितनी है, 1.6 वोल्ट, राइट। यहां तक क्लियर है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है फिर से। तो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल आर इंटू ई माइनस वी माइनस वन होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर बाय फोर, एक्सटर्नल कितनी है इसमें, 7.5, कैपिटल ई कितना है इसमें, 2, वी कितना है इसमें, 1.6 माइनस 1। सॉल्व करें, आर चेक करें कितना आ रहा है, कितना, 7.5, यही आ रहा है, 7.5 हो। मेथड क्लियर है, सीरीज में तो वैसे ही कुछ नहीं करना, प्लस या माइनस करना है, पैरेलल में भी कुछ नहीं करना क्योंकि आइडेंटिकल बैटरी में वैसे ही आंसर आ जाएगा, आंसर ठीक है यहाँ तक। तो ये स्टेप आई होप सबको क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा 7.5 ओम ही आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं टू सेल्स E1 एंड E2 जिसकी EMF 4 और 8 वोल्ट है, ठीक है, 4 वोल्ट है और 8 वोल्ट है, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 एंड 1। तो इंटरनल कितनी है 0.5, इंटरनल कितनी है 1, आर कनेक्टेड इन ऑपोजिशन, यानी कि एक बैटरी सीधी तो एक बैटरी उल्टी करके लगानी पड़ेगी, तो यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस, सीरीज में है लेकिन ऑपोजिशन, क्लियर है यहां तक। ये रहा, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 4.5। ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके साथ है, 4.5 के साथ एंड 3 ओम के साथ, 4.5 एंड 3 ओम के साथ, और फर्दर 3 ओम के साथ पैरेलल में 6 ओम है, 3 ओम के साथ पैरेलल में 6 ओम है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है पहले तो सर्किट डायग्राम बनाओ। अब वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें डायग्राम ऑलरेडी बना ही होता है, पर नहीं बना तो मैंने बना दिया। अब वो कह रहे हैं इसमें करंट निकालो, तो निकालो इसमें करंट क्या होगा, दो बैटरी की जगह एक बैटरी लगाओ पहले, तो बोलो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी इसमें, 8 में 4 ऐड करें कि सबट्रैक्ट करें, सबट्रैक्ट, क्योंकि एक बैटरी सीधी एक रिवर्स है, तो 8 में से 4 गया 4 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या करें दोनों की, ऐड रेजिस्टेंस होना सबट्रैक्ट होगी, तो इन दोनों बैटरीज में जब एक बैटरी बनेगी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, 1 प्लस 0.5 1.5, राइट। और ये तो आप कर ही लोगे, ये आंसर 2 आएगा, 2 और 4.5 इन सीरीज। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर है, 4.5 के साथ 2 आ जाएगा सीरीज में, और जो इक्विवेलेंट बैटरी है 8 में से 4 गया क्या आएगा 4, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 1.5। वो पूछेगा करंट कितना है पूरे सर्किट में, करंट क्या है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ कितनी है 4, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इंटरनल कितनी है 1.5, एक्सटर्नल कितनी है 4.5 प्लस 2 आंसर। तो स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक कि टोटल करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोई डाउट इसमें, ठीक है। जैसे ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट है क्वेश्चन का, 4 वोल्ट और 8 वोल्ट सेम क्वेश्चन है, और इसमें कुछ नहीं करना आपने, आप इसको देखें प्लीज,
इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। देखो इस क्वेश्चन में आपको दो बैटरीज गिवन है, ये पहली बैटरी ये दूसरी बैटरी, किसमें कनेक्टेड, सीरीज की पैरेलल, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में ऑपोजिशन में है कि सेम ऑर्डर में है, ऑपोजिशन में, कैसे, ये छोटा टर्मिनल माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो माइनस प्लस प्लस माइनस तो उल्टा हो गया वैसे ही, तो ये ऑपोजिशन में है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर, ए की ईएमएफ कितनी है, 2 वोल्ट, दूसरे की ईएमएफ कितनी है, 4 वोल्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें करंट कैलकुलेट करें, तो करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो बैटरी की जगह एक बैटरी लगाएं, तो दोनों में, दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, 4 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस, तो क्या आएगा, 2 वोल्ट, और इनकी रेजिस्टेंसेस को क्या करेंगे, ऐड, छोटी रेजिस्टेंस एक गिवन है 1 और एक गिवन है 2 क्वेश्चन में, तो इंटरनल क्या आएगी, 3, और एक्सटर्नल क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 5। अगर करंट निकालना है, करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितनी है, 2, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल का सम कितना है, 8। आंसर क्या, ये पॉइंट क्लियर है, एक आंसर तो आ गया। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो, किस में, ए में और सी में, बी में और ए में, बी और ए में, ए और सी में। अब इसको करने के लिए पहले एक पॉइंट को समझते हैं, क्या पॉइंट है, पॉइंट ये है कि अगर मान लो आपके पास एक ऐसी वायर है जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है, तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम है क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, राइट। पर लेकिन अगर आपके पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है और जिसमें करंट भी जा रहा है, भाई करंट तो तभी जाएगा ना, व्हेन वन पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, सेकंड पॉइंट इज एट लोअर पोटेंशियल, और करंट कहाँ मूव करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर करंट राइट जा रहा है तो एटलीस्ट मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ कि ए पोटेंशियल हायर है और बी पोटेंशियल इसमें लोअर है, तभी तो करंट जा रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब मैं ये चाहता हूँ कि वी ए, एक इक्वेशन बनाना चाहता हूँ वी ए की और वी बी की, मैं एक इक्वेशन फॉर्मुलेट करना चाहता हूँ जिसमें वी ए और वी बी एक इक्वेशन का पार्ट हो। हाँ, ये मुझे पक्का पता है इस सर्किट में वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी, ये पता है, वी ए बड़ा है वी बी छोटा है, वी ए में से कुछ अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए हाँ फिर वो वी बी के इक्वल हो सकता है। तो इसमें जैसे ये वी ए है ये वी बी है, वी ए बड़ा है वी बी छोटा है, एक काम करते हैं, वी ए अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होता है सबको पता है, तो माइनस आई आर, तो वी ए में से अगर माइनस आई आर को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, वी बी, क्योंकि बीच में क्या पड़ रहा है, बीच में आई इंटू आर का डिफरेंस ही तो है, तो अगर मैं वी ए में से आई इंटू आर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वी बी, कोई डाउट इसमें। तो यहां से वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, आई इंटू आर, ये तो वही ओम लॉ हो गया, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई इंटू आर। बट आपको रूल लगाना आ रहा है, मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ, ये ज़्यादा बेटर एग्जांपल रहेगा आपके लिए, कैसे। मान लो अगर ऐसा डायग्राम नहीं गिवन, आपको ऐसा डायग्राम गिवन है जिसमें एक बैटरी भी लगा देते हैं, ये देखो सपोज करो क्वेश्चन में ये ए पॉइंट है, ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस है 2 ओम की रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है प्लस एंड माइनस, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, फिर से बैटरी है माइनस एंड प्लस, और ये क्या है वी बी, यहां पर क्या है वी ए, एक वी ए एक वी बी, राइट।
ये देखो, तो ये पॉइंट है ए, पोटेंशियल वी ए, पॉइंट है बी, पोटेंशियल है वी बी, राइट। तो ये बैटरी मान लो 5 वोल्ट की है, ये बैटरी मान लो 4 वोल्ट की है, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो करंट है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो ए से कहाँ जा रहा है, बी तक जा रहा है, ठीक है। कितना करंट जा रहा है, मान लो 7 एम्पियर का करंट जा रहा है। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको कैलकुलेट करना है वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी क्यों, क्योंकि करंट जा रहा है ए से बी, तो ए इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल। इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, वी ए से स्टार्ट करना है, वी ए सबसे हाई पोटेंशियल पे है, ए से बी पे जाना है। जब आप ए से बी पे जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये रूल क्लियर है यहां तक। तो वी ए में से क्या सब्ट्रैक्ट किया मैंने, माइनस आई इन टू आर, किरचॉफ लॉ तो यही बोलता है करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस कर दें। फिर क्या आ गई, बैटरी प्लस से माइनस, हायर से लोअर, हायर से लोअर का मतलब माइनस 5 वोल्ट। फिर यही 7 एम्पियर का करंट किस में से जा रहा है, 3 ओम में, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस 3 × 7 आई इन टू आर। फिर उसके बाद माइनस से प्लस, हायर वोल्ट पे जा रहे हैं +4, तब जाके ये इक्वेशन बनेगी वी ए और वी बी। तो जब सारा कुछ हो जाएगा इक्वल टू वी बी हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, वी ए बी कैसे कैलकुलेट, वी ए से स्टार्ट करना है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेज है उनको एड सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर इसका आंसर किसके इक्वल कर देना है, वी बी। तो यहां से वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट, ये टर्म को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये राइट साइड पे, यहां से आंसर आ जाएगा। टेक्निक समझ में आ रही है कि कैसे आपने वी ए और वी बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, कोई डाउट इसमें, रूल समझ में आ रहा है, कैसे लग रहा है इसमें, ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? Yes, sir. तो अब यही रूल हम यहां असाइनमेंट पे लगाते हैं। देखो आप इस डायग्राम में जरा देखना, ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम के अंदर मेरे को क्या करना है, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम के अंदर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और सी के बीच में। तो मान लो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट क्या है, सी। करंट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, पता नहीं क्या आंसर आया था इसका, आई हमने निकाला था ना अभी, कितना था, 1/4, ओके। करंट हमें पता है इसमें 1/4 एम्पियर है, राइट, ओके। मैं ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, मेरा करंट कहाँ जा रहा था, ए से सी, यानी कि ए इज एट हायर पोटेंशियल, सी इज एट लोअर पोटेंशियल, यू ऑलवेज स्टार्ट विद हायर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल कितना है, वी ए, वी ए। फिर बीच में क्या आ गई, बैटरी, बैटरी का कौन सा टर्मिनल, प्लस से माइनस। बैटरी की ईएमएफ क्या थी इसमें, पहली बैटरी की 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट, तो प्लस से माइनस, तो माइनस 2, ठीक है। फिर इसकी रेजिस्ट, इसमें क्या जा रहा है, करंट, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई इंटू आर वन, ठीक है ना, वी ए माइनस ई वन माइनस आई इंटू आर वन, यहां पर क्या आ गया अब, वी सी। तो यहां से वी ए माइनस वी सी कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन में आई पता है, आर वन पता है आंसर। उसी तरीके से फिर से अब हम लगाते हैं बी और ए के बीच में, करंट कहां आ रहा है, बी से ए, तो विल स्टार्ट विद वी बी। वी बी करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो माइनस आई इंटू आर टू, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस ई टू इज इक्वल टू क्या पॉइंट आ गया, वी ए। यहां से वी ए, वी बी माइनस वी ए कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, राइट। तो ये देखो यही इसमें निकालना था, ये देखो, तो मैंने यही लगाया इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में वी बी और वी ए का रिलेशन निकाला, वी ए और वी सी का नहीं, जो मैंने इक्वेशन लगाई इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर आया। टेक्निक समझ में आ रही है आपको, आज की बात, कोई भी डायग्राम में कोई भी 2 पॉइंट अगर दे दे और उनमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोल दे, बस ये रूल लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है,
आंसर शायद गलत भी हो सकता है, पता नहीं। 2.25 और माइनस टू, अब माइनस टू में लिखा, बाकी तो लिखे हुए हैं इसमें, मालूम नहीं यार, यही है जो है, ये सही है। ऑनलाइन वालों क्लियर है? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज ध्यान से देखें, एक बार रीड करें और समझें क्या है क्वेश्चन, फिर करते हैं सॉल्व।
ओके, इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले ये बताओ कितनी बैटरीज हैं, दो, पहली बैटरी प्लस और माइनस, दूसरी माइनस और प्लस, बोलो ये पैरल में है कि सीरीज में, दिख पैरल में रही है ये सीरीज में, वो क्यों, क्योंकि जो करंट आएगा, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट आगे इसमें भी जाएगा, तो करंट दोनों में एग्जैक्टली सेम है, डिवाइड कहां हो रहा है, हुआ ही नहीं, ठीक है यहां तक। पैरल में बैटरीज पता है कब होती हैं, पैरल में ऐसी होती हैं, ये देखो एक बैटरी ये रही, एक बैटरी ये रही, इसका अपना करंट, इसका अपना करंट, फिर तीसरी वायर एक्सटर्नल में रेजिस्टेंस में करंट जाता है, ये पैरल है, ये पैरल नहीं है, क्लियर है यहां तक, तो ये सीरीज है। अब सीरीज के अंदर अगर मैं पूछूंगी इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी, तो ये देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो अगर मैं यहां से सीक्वेंस बनाऊं तो प्लस माइनस के बाद क्या आया, माइनस प्लस, तो ये बैटरीज सेम ऑर्डर में है कि रिवर्स ऑर्डर में है, रिवर्स में है, रिवर्स में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी, बड़ी ईएमएफ में छोटी ईएमएफ माइनस, तो बड़ी ईएमएफ कितनी है 8 नहीं 20, छोटी कितनी है 8, तो नेट ईएमएफ कितनी है माइनस। तो ये स्टेप क्लियर है पहला, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर। और टोटल रेजिस्टेंस में ये कितनी है 1 ओम, ये कितनी है 5 ओम, ये कितनी है 2 ओम, और इन तीनों को पैरेलल में ज्वाइन करोगे 12 6 और 4 को तो आएगा 2, तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस बनेगी 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 सब सीरीज में, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहां पर नेट रेजिस्टेंस 10 आ रहा है 2 1 5 एंड 2, ठीक है। तो टोटल करंट क्या आएगा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट आ गया 1.2, पहला स्टेप क्लियर है टोटल करंट का, ठीक है यहां तक। तो टोटल करंट की वैल्यू आ गई। अब टोटल करंट में वो ये पूछ रहा है, जो टोटल करंट आया कितना आया 1.2 एम्पियर आया, वो फर्दर इन तीन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि तीनों किस में कनेक्टेड है पैरेलल, तो ये ऐसा केस बनेगा 12 6 और 4 में डिवाइड हो जाएगा 1.2, देख रहे हो 1.2 आया, I1 I2 I3 में डिवाइड हो गया। अब वो पूछ रहा है कि I1 I2 I3 कैलकुलेट कर दो, अब क्योंकि ये पैरेलल में है तो V की वैल्यू तीनों में क्या रहेगी सेम, तो ओम लॉ लगाओ, इसमें V कितना है I1 into 4, इसमें कितना है I2 into 6, इसमें कितना है I3 into 12 is equal to V, V remaining same, क्या ये पॉइंट क्लियर है। यहां से I1 क्या होगा V divided by 4, I2 क्या होगा V divided by 6, I3 क्या होगा V by 12, इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो करंट की रेशियो आएगी। मैंने ये इसलिए करके दिखाया ताकि आप ऐसा ना करें, ये इसलिए नहीं करके आप ऐसा करें, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये लंबा मेथड है। मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक शॉर्टकट कराया था, क्या था कि जो करंट है पैरेलल में, जो करंट डिवीजन होती है वो रेजिस्टेंस की डिवीजन से उल्टी होती है, जैसे I1 I2 I3 की रेशियो रेजिस्टेंस की उल्टी रेशियो के बराबर होगी, कैसे R3 I1 is to I2 is to I3 is equal to I3 by R3 by R2 by R1, तो यानी कि I1 I2 I3 की रेशियो क्या होगी 12 is to 6 is to 4। तो हम ये नहीं करेंगे स्टेप, हम सीधा शॉर्टकट ही लगाएंगे। अब रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम हो गई, टोटल करंट कितने हैं 1.2 और करंट्स कैसे डिवाइड करने हैं 12 6 और 4 में, तो पहला हिस्सा क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 12 6 और 4 इनटू 1.2, दूसरा हिस्सा कितना है 6 अपॉन टोटल रेशियो का सम इनटू 1.2 और तीसरा हिस्सा 4 आंसर, तो I1 I2 I3 भी आ गया, क्लियर है यहां तक। और अब आपको इसमें क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी, तो इसकी ईएमएफ कितनी है 20 वोल्ट, पर जब इसमें से करंट बाहर निकलेगा क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उस केस में इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या होगा, ऐसी सेम प्रॉब्लम इसकी, या 8 वोल्ट से कम आएगा या ज्यादा आएगा वो आप देखें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, हमने कैलकुलेट किया। इसको आगे कॉन्टिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहां पर ध्यान से देखें, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ये है कि जैसे सपोज जैसे लेट अस सपोज आपके पास एक बैटरी है, ये देखो आपके पास ये एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर है, ये भी क्लियर है, और ईएमएफ कितनी है
कैपिटल ई है, कोई डाउट इसमें? राइट, इसके अंदर मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, जब अगर मैं इसमें सर्किट कंप्लीट भी कर दूं, जैसे मैंने एक कंप्लीट भी कर दिया ये देखो, तो करंट कहां से बाहर निकलेगा, बैटरी के कौन से टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है? पॉजिटिव, और किसमें एंटर करता है? नेगेटिव। तो ये करंट आया बाहर, आए तो मैंने आपसे ये पूछा इस बैटरी के टर्मिनल में वी बोलो क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? ई माइनस आई इंटू आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? किया हमने ये ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, मैं अपना इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं इसमें। क्या करने वाला हूं, सपोज मैंने क्या किया, ये माइनस और ये प्लस, मैंने एक और बैटरी लगा दी, और या ऐसा कर लेते हैं, एक और बैटरी लगाएंगे इसमें, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे लगा देते हैं, ये लो। तो ये R1 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और ये EMF E2 है। ठीक, क्लियर है? अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इसको मिटा रहा हूं मैं एक मिनट। प्रॉब्लम ये है कि करंट कौन निकाल ले। पहली बैटरी ये बोलती है कि मेरा पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकलेगा, और जितना करंट बाहर निकलेगा पॉजिटिव से, एंटर भी उतना ही करेगा, सही है रूल। दूसरी बैटरी भी ये बोलती है भी मेरा पॉजिटिव तो यहां पर है, मेरे पॉजिटिव में से करंट बाहर निकलेगा और घूम के करंट वापस सेम चाहिए मुझे। अब यहां तो झगड़ा हो गया ना, ये पॉजिटिव अगर यहां निकालती है, ये पॉजिटिव यहां निकाल, इलेक्ट्रॉन तो कंफ्यूज हो जाएंगे यार, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, वो बैटरी कह रही है उधर जा, वो कह रही है उधर जा, तो लड़ाई होगी ना, तो ऐसे कैसे बात बनेगी? तो यानी कि आपको एक बैटरी जो स्ट्रॉन्ग बैटरी होगी उसी की सुननी पड़ेगी। तो जो भी इनमें से बड़ी बैटरी की ईएमएफ होगी, मान लो ई1 बड़ा है ई2 छोटा है, तो आप करंट कहां से निकालेंगे? फिर बड़ी बैटरी की ही सुनेंगे, छोटी की नहीं सुनेंगे। तो जैसे मान लो ई1 इसमें बड़ा है, ई1 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि इसमें से करंट आया आए और इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर गया। आपको ऐसा होता ही नहीं है, पर जब बड़ी बैटरी है तो छोटी को सुनना पड़ेगा, तो वो कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि बड़ी बैटरी जो है उसमें ज़्यादा एनर्जी है, वो उस पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट को पास करवा देगी। अगर E2 बड़ा होता, फिर यहाँ से करंट बाहर निकलता, फिर E1 के अंदर एंटर करना था पॉजिटिव में से, क्लियर है? और सोचो अगर E1 E2 बराबर होते, और अगर बराबर होते फिर क्या होता, फिर ना इसकी ना इसकी, फिर कोई करंट जाना नहीं था, बात ही क्लोज हो जाती फिर तो, क्लियर है? फिर कोई करंट ना होता। ऐसे केस में ये बैटरी सीरीज में है और उल्टी कनेक्टेड है, एक सीरीज और एक उल्टी कनेक्टेड है, क्लियर है यहां तक? तो मान लो E1 बड़ा है E2 से, मैं लिख देता हूं यहां पर, मैंने अज्यूम किया है E1 इज ग्रेटर देन E2, तो ये डायग्राम क्लियर है सबको? पहले ये देखो, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, अब दूसरा पॉइंट समझो, क्या जब कोई बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट को बाहर निकालती है, ये नॉर्मल फिनोमेना है, ऐसी तो होता है, पॉजिटिव में से ही करंट बाहर निकलता है, ऐसा कब तक करेगी? बहुत देर तक करेगी, फिर उसको इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और करंट निकालना बंद कर देगी। हम बोलते हैं कि इस बैटरी की क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग। तो बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, खाली हो जाएगी। लेकिन देखो इसके साथ उल्टा हो गया, खाली होने की बजाय इसको भरना शुरू कर दिया, क्योंकि खाली तब होती है जब पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकलता है, तो डिस्चार्जिंग होती है। लेकिन अगर पॉजिटिव टर्मिनल में बाहर निकलने की बजाय करंट एंटर करता है, हम बोलते हैं बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। सुने, बैटरी चार्ज कर लो, तो बैटरी ऐसे चार्ज होती है, उसके पॉजिटिव में करंट को एंटर करवाते हैं। तो ये केस कौन सा है, चार्जिंग का। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो अब आपको ये भी ध्यान देखना पड़ेगा कि जब आपका कोई सर्किट आएगा उसमें करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव में कि बाहर निकल रहा है। अगर तो उसमें बाहर निकल रहा है फिर तो कोई टेंशन नहीं, वो तो पता ही है। फिर यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के क्रॉस कितने हैं, तो आप बोलेंगे E1 इज इक्वल टू I इंटू R। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर तो नॉर्मल केस है, इसमें कोई फर्क है ही नहीं, क्योंकि ये केस तो हम पहले भी करते आए हैं। लेकिन ये केस थोड़ा ना करते आए हैं जिसमें पॉजिटिव में एंट्री होती है करंट की, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टर्मिनल, वो पता है क्या होगा, E2 प्लस
आई इंटू आर टू. याद रखना जब डिस्चार्जिंग होती है फिर तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई से कम आता है, लेकिन जब चार्जिंग होती है तो वो अपना इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही है और साथ में इसकी चार्जिंग का भी इफेक्ट आ जाता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से भी बढ़ जाता है, तो ई टू प्लस आई इंटू आर टू हो जाता है. अब ये ध्यान से देखना पड़ेगा, जिन क्वेश्चन में करंट पॉजिटिव में एंटर करता है, जिन क्वेश्चन में करंट एंटर करता है पॉजिटिव में उसमें प्लस आई आर, जिसमें बाहर निकलता है माइनस आई आर. जितने क्वेश्चन आज तक हमने किए टर्मिनल के उसमें पॉजिटिव में से हमेशा करंट बाहर ही गया. ये पहला क्वेश्चन है जिसमें करंट एंटर भी करता है. क्लियर है? अब ये क्वेश्चन यहां पर वापस चलें, ये देखो अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये देखें इस डायग्राम के अंदर ये कौन सा टर्मिनल है नेगेटिव, ये कौन सा टर्मिनल है पॉजिटिव. करंट नेगेटिव में एंटर करके पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं. तो बोलो यहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ई माइनस आई आर. आपको इसमें ई पता है, आई पता है और आर पता है, डन. लेकिन जब आप यहां देखेंगे ये करंट घूम के ये आया, किसमें एंटर कर रहा है पॉजिटिव में और किससे बाहर निकल रहा है नेगेटिव में, तो यहां पर वी का फॉर्मूला क्या लगेगा, ई प्लस आई आर. समझ में आ रहा है यहां तक? एक में चार्जिंग हो रही है, एक में डिस्चार्जिंग हो रही है. समझ में आ रहा है कैसे देखना है इसमें? ठीक है, ये करंट घूम के पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, जब पॉजिटिव में एंटर करता है तो प्लस, जब बाहर निकलता है तो माइनस. तो आप चेक करें, यही पूछा उसने इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू बैटरीज. और मैंने भी यही किया, ऊपर वाली बैटरी में ई माइनस आई आर, नीचे वाली बैटरी में ई प्लस आई आर. आंसर तो आइडिया क्लियर है इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करना है. ऑनलाइन वालों को क्लियर है? Yes, sir. एक बार दोबारा समझा दो. मैंने ये बताया कि जो मैंने ये समझाया कि इसके अंदर अगर मान लो पॉजिटिव टर्मिनल में से ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, करंट बाहर निकल रहा है, तो V का फॉर्मूला होगा E माइनस आई आर. अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करता है तो V का फॉर्मूला होगा E प्लस आई आर. ये क्लियर है? Yes, sir. तो मैंने अपने क्वेश्चन में तो यही किया ना. ये देख लो, मैंने ये कहा कि मेरे इस क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल में से, ये पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है, पॉजिटिव में से करंट बाहर निकल रहा है, तो V का फॉर्मूला क्या लगेगा, E माइनस आई आर. वही करंट घूम के इस पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, तो यहां पर क्या फॉर्म लगेगा, ई प्लस आई आर. क्लियर है? यस सर. बस इसमें वैल्यूज पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा. ठीक, तो ये आपका केस है, एट्थ क्वेश्चन है. बस इसके बाद जो थ्योरी रिक्वायर्ड है वो हमने की नहीं है. यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको कोई डाउट इसमें? एनसीईआरटी की बुकलेट.
ओके देखो देखो, जो एनसीईआरटी की बुकलेट है उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पे अगर चले, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये सारा पोर्शन कर लिया, ड्रिफ्ट फिलॉसफी हमने कर ली, ड्रिफ्ट के बाद हमने ओम लॉ का प्रूफ कर लिया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल भी कर लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कर लिया, फिर वो कहता है डिफरेंस लिख दो ईएमएफ में और नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। जो ईएमएफ है वो स्पेसिफिकली हम सेल्स के लिए यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तो वायर के क्रॉस भी यूज़ कर लेते हैं, तो डिफरेंस है ईएमएफ जो है, ठीक डिफरेंस है ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल्स का किसी भी सेल के, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो किसी भी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, चाहे वो मैक्सिमम हो या ना हो। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, आप एक मार्केट से बैटरी लेके आए 10 वोल्ट की बैटरी, उसकी ईएमएफ 10 वोल्ट है, उसे क्या फर्क पड़ता है कि आपने बाहर रेजिस्टेंस कितनी लगाई, उस पर वो लिखा हुआ 10 वोल्ट तो 10 वोल्ट की ईएमएफ है, बात खत्म। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V is equal to I into R है, तो उसमें वायर की रेजिस्टेंस मैटर करती है, ये वायर की रेजिस्टेंस के क्रॉस निकलेगा। ईएमएफ सोर्स ऑफ सेल के लिए यूज किया जाता है, ये नॉर्मल दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल्स के नहीं भी यूज करेंगे तो भी चलता है, तो मेन मेन डिफरेंस है इसका। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके, हैंड रिटन शीट में जरूरत नहीं है हमें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कहाँ काम आएगा इसको समझते हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था अभी, जिसमें हम कई बैटरी सीरीज में है या पैरल में है, हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते थे। तो काफ़ी लोग समझते हैं कि जब इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल रहे हैं तो हम सेल्स को सीरीज में और पैरल में तो डिस्कस कर ही चुके हैं ना, ये प्रॉब्लम वो नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि मैंने आपको कुछ सेल्स दिए, मैंने कहा कि एक सेल है और मान लो एक रिमोट में डालने हैं या रिमोट बनाना है। आपने देखा होगा, कई खिलौने भी देखे होंगे, रिमोट भी देखा होगा, कईयों में दो सेल्स पैरल में लगते हैं, पुरानी टॉर्च है एक के पीछे एक के पीछे एक सेल डलता है, सीरीज में लगते हैं, कोई टॉय है उसमें चार सेल तो सीरीज में लगे हुए हैं और ऐसे चार और रोज भी हैं, तो चार पैरल में चार सीरीज में, पूरा ग्रिड बना होता है सेल्स ही सेल्स का। भाई कैसे डिसाइड होता है, हम सेल्स को ऐसे ही रखेंगे जगह देख के कि नहीं यहाँ ऐसे रख देते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा होगा, कोई लॉजिक भी तो होता होगा कि नहीं इसको सीरीज में लगाना है, अलग कनेक्शन में पैरल में लगाना है या मिक्स ग्रुपिंग में लगाना है, तो कोई लॉजिक है इसमें। तो ये टॉपिक ये बताता है कब आप सेल्स को सीरीज में लगाते हैं, कब आप पैरल में लगाते हैं और कब आप मिक्स ग्रुपिंग में लगाते हैं। तो सबसे पहले ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज, सीरीज के अंदर मैंने सेल्स को लगाया ई ई ई करके, एन सेल्स मैंने लगाए। तो जब मैंने सेल्स को सीरीज में लगाया तो इसकी टोटल ईएमएफ क्या होगी बोलो, ई प्लस ई कितने टाइम्स एन ई, और सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी बोलो एन आर एन आर। तो पूरे सर्किट में करंट क्या होगा बोलो, टोटल करंट जो होगा टोटल ईएमएफ बाय टोटल क्या होगा रेजिस्टेंस होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये टोटल करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब डिसाइड कैसे किया कि ये सीरीज है या पैरल है, सही आंसर देगा कि नहीं देगा, तो लॉजिक इसके पीछे ये है, मान लो आपके पास एक सेल है, वो सेल एक एम्पियर का करंट बाहर निकालता है, और मान लो आपके पास पांच सेल्स हैं, आप पांच सेल्स को इकट्ठा यूज करना चाहते हैं, तो आप ये चाहेंगे कि अगर एक सेल एक एम्पियर करंट बाहर निकालता है तो पांच सेल्स मिलके पांच एम्पियर निकालें, तभी तो मैक्सिमम करंट बाहर निकलेगा, तभी तो फायदा होगा। पांच सेल लगाने के बाद अगर दो ही एम्पियर करंट बाहर आया फिर तो पांच सेल्स खराब ही हो गए ना हमारे, तो हमें करंट को क्या करना होता है मैक्सिमम। तो हम अरेंजमेंट ऐसा ड्रॉ करते हैं, चाहे वो सीरीज में हो चाहे पैरल में हो चाहे मिक्स्ड में हो, कि हमें आउटपुट जो करंट है वो क्या चाहिए मैक्सिमम चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है। और कंडीशंस हैं, कंडीशन क्या है, कब सीरीज में लगते हैं सेल्स, कंडीशन ये है
व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये सभी सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत 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 बड़ी है, फिर तो ये सेल्स सही आंसर या सही रिजल्ट या सही मैक्सिमम करंट किसमें देंगे, जब कनेक्टेड होंगे इन सीरीज। लेकिन अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा छोटी है तो किसमें कनेक्शन होगा, इन पैरेलल, और अगर बराबर है तो फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग, कुछ सीरीज और कुछ पैरेलल, ये इसका बेस है। करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं। तो क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपने इसमें करंट निकाल लिया, आपको करंट क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और क्या कंडीशन है, अगर कैपिटल आर की वैल्यू बहुत बड़ी है एन आर से, तो कॉम्बिनेशन किस में लगेगा, सीरीज, अभी हमने सीरीज में लगाया। तो अगर कैपिटल आर बहुत बड़ा है एन आर से, तो इन एन आर के मुकाबले एन आर बहुत छोटा है, कैन बी निगलेक्टेड। तो इसको निगलेक्ट कर दिया, बहुत छोटा है, तो करंट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आई, बस ये आ गई। तो ये क्या आ गया, मेरे पास करंट रह गया। क्लियर है यहाँ तक, अप्रोक्सीमेट करंट आ गया कंडीशन के साथ। अब सोचो अगर इसमें कितने सेल्स होते, सिर्फ एक सेल होता, अगर एक सेल होता एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, वन, तो करंट कितना आएगा, वन इंटू ई डिवाइडेड बाई आर। तो ये आएगा करंट ड्यू टू सिंगल सेल, आई एस का मतलब करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो सिंगल सेल का करंट आ गया, अगर सिंगल सेल का करंट ई बाई आर है और टोटल करंट आई है, तो आई की वैल्यू में काम करते हैं, ई बाई आर को पुट कर लेते हैं कितना, आई एस। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, अगर एक सिंगल सेल एक एम्पियर करंट देता है, हमारे पास पांच सेल्स हैं, तो देखो टोटल करंट क्या आ रहा है, पांच इंटू एक पांच एम्पियर, तो करंट आ गया ना मैक्सिमम। तो ये प्रूफ है कि देखो किस तरीके से हमने सीरीज में लगाया और कंडीशन को अप्लाई किया, कंडीशन लगा के हमने प्रूफ किया कि ये करंट आया, इसको निगलेक्ट किया तो ये टोटल करंट आ गया अप्रोक्सीमेट, सिंगल सेल के लिए एन इज इक्वल टू वन, इसको उठा के यहाँ पुट करके ये आंसर आ गया। तो ये एज सच कोई प्रूफ करने को नहीं आता पेपर में, प्रूफ करके दिखाओ ये सीरीज है, आपके नॉलेज के लिए। इसमें से एक क्वेश्चन आता है मिक्स ग्रुपिंग पे, मिक्स ग्रुपिंग का ही क्वेश्चन आएगा, वो क्या आएगा, वो दो क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, वैसे क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो ठीक। उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मान लो आपके पास ये सेल्स पैरेलल में है, पैरेलल में आज हमने किया इक्विवेलेंट बैटरी का क्वेश्चन कि सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, तो टोटल ई एम एफ बोलो इसकी क्या होगी, ई ई ई करके ई आएगी, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, वन बाई आर वन बाई आर वन बाई आर वन बाई आर करते करते कितने टाइम्स, एम टाइम्स एम टाइम्स। तो यानी कि सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एम इंटू वन बाई आर, यानी कि आर डैश की वैल्यू क्या आएगी, आर बाई आर। क्लियर है यहाँ तक। तो सभी सेल्स को अगर मैं एक सेल में कन्वर्ट करूं तो टोटल ई एम एफ क्या आएगी, ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगी, आर बाई एम। तो पूरे सर्किट में करंट क्या आएगा, करंट आएगा ई एम एफ ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, लेकिन कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसमें इंटरनल बहुत बड़ी होगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल, सीरीज में एक्सटर्नल बड़ी थी, इंटरनल में ये बड़ी है, तो इसका मतलब दिस कैन बी निगलेक्टेड, निगलेक्टेड किया तो ये टर्म आ गई, इसको रीअरेंज किया तो ये टर्म आ गई, दिस इज करंट, टोटल करंट अप्रोक्सीमेटली अगर कंडीशन को मैंने अप्लाई किया। और ऐसी अगर एक सेल होता, एक सेल होता तो एम की वैल्यू क्या पुट करते, वन, तो आपके पास करंट ड्यू टू सिंगल सेल क्या आता, ई बाई आर, वही सेम रिजल्ट है, ई बाई आर को वापस यहां पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एम इंटू आई एस। तो यानी कि अगर एक सेल चार एम्पियर करंट देता है और ऐसे पांच सेल्स हैं, तो ऐसे रिजल्ट से क्या आएगा, पांच इंटू चार बीस एम्पियर मैक्सिमम करंट बाहर आएगा, तो ऐसा कुछ रिजल्ट है। लेकिन असली जो पेपर में आता है वो मिक्स ग्रुपिंग आती है, इसका प्रूफ नहीं आता, इसका न्यूमेरिकल आता है। पर न्यूमेरिकल करने से पहले आपको एक फॉर्मूला नोट करना है, इसमें बताता हूं क्या। अब हमने सेल्स को किस में लगा दिया, मिक्स्ड में, मिक्स्ड में कैसे, एन सेल तो सीरीज में और ऐसे कितनी रोज हैं, एम रोज हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें एन 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 सेल्स हैं तो इसकी ईएमएफ क्या होगी, एन ई, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, एन आर, इसकी भी क्या होगी, एन ई, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, एन आर, इसकी भी क्या होगी, एन ई, इंटरनल क्या होगी, एन आर। तो अब ये एन ई एन ई एन ई एन ई सेल लगेंगे और पैरेलल में है, तो टोटल ईएमएफ की वैल्यू भी इसमें क्या आएगी, एन ई।
पैरल में ईएमएफ रिमेंस सेम, तो एन इन टू ही हो गया। और इंटरनल रेजिस्टेंस में ये सब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो ये देखो, ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस में 1/nr कितने टाइम्स है, ये m टाइम्स है, तो m टाइम्स है, तो 1/r' किसके इक्वल होगा, 1/nr इनटू कितना m। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, r' आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होगी, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितनी है एनी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? टोटल करंट आ गया, ठीक। एम नंबर ऑफ ये रोज हैं ऐसी, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, nr और कितने टाइम्स है, m टाइम्स। तो सोचो 1/nr कितने टाइम्स, m टाइम्स, तो m इंटू 1/nr इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई। तो टोटल करंट निकाल लिया, टोटल ईएमए बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है टोटल करंट? यस सर, ठीक। तो इसमें टोटल करंट आ गया, इसमें एम एलसीएम लो, सॉल्व करके ये आ गया, ठीक। अब मुझे करंट क्या चाहिए, मैक्सिमम, मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम करंट लाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम, जितना कम से कम होगा उतना ही करंट मैक्सिमम होगा। तो मैंने साइड पे डिनोमिनेटर लिख दिया, तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मिनिमम। डिनोमिनेटर को मॉडिफाई करके लिखा, कैसे, पहली टर्म को लिखा अंडर रूट ऑफ एन आर का स्क्वायर, दूसरी टर्म को लिखा अंडर रूट ऑफ एम आर का स्क्वायर, माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी, कोई फर्क नहीं, इससे एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, राइट। इसके अंदर अगर आप ये टर्म को मिनिमम करना चाहते हो, तो ये टर्म इन दोनों का बना हुआ है, तो इन दोनों टर्म में अगर ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये टर्म जीरो हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा, मिनिमम। तो अगर ये टर्म को जीरो करते हैं तो स्क्वेयरिंग करते हैं, सॉल्व करके ये टर्म आ जाती है। अब अगर ये टर्म जो आई, ये करना मतलब पूछा नहीं जाता आपको, ये फॉर्मूला याद करना है क्या, कि अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो डिनोमिनेटर मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है, और ये कंडीशन है क्या, ये कौन सी रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल, और ये कौन सी रेजिस्टेंस है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट ये आ गया कि मिक्स ग्रुपिंग के अंदर करंट मैक्सिमम कब होता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू सारे सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मिक्स ग्रुपिंग लगती है। तो आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला याद करना है कि मिक्स ग्रुपिंग के अंदर करंट वो पूछेगा कब मैक्सिमम होता है, तो कब होता है, जब कैपिटल आर किसके इक्वल होता है इंटरनल, और इंटरनल का फॉर्मूला क्या होगा, एनआर बाय एम। क्या रिजल्ट याद रहेगा, तो एक तो ये फॉर्मूला याद करना है, दूसरा वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि क्योंकि टोटल करंट इसके इक्वल है और करंट की वैल्यू अगर मैक्सिमम करनी है तो कैपिटल आर एन आर बाय एम के इक्वल है, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने को आ जाए तो आप एक काम कर सकते हो, इसकी जगह कैपिटल आर पुट कर लो, एक ही बात है, चेक करो क्या स्टेप समझ में आया, क्योंकि ये वाली टर्म इसके इक्वल है तो ये टर्म कैपिटल आर है, कैपिटल आर मिला के क्या होगा 2r, तो करंट क्या आ गया मैक्सिमम, तो न्यूमेरिकल आएगा फाइंड मैक्सिमम करंट, तो बोला मैक्सिमम करंट। या ऐसा भी कर सकते हो, मैक्सिमम करंट कैन बी इक्वल टू एनी, ऐसा भी कर सकते हो एन आर बाई एम को ऐसी रखो, कैपिटल आर को पुट कर दो एन आर बाई एम, तो भी मैक्सिमम करंट है, कोई मर्जी यूज कर लो। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन इस पे आते हैं, बस इसके ऊपर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है यहां तक? तो अब एक काम करना है, हमने ये लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ है, ये रहा मैक्सिमम करंट लिखा हुआ है इसमें, राइट। तो हम ना एक शीट कर रहे थे अभी, और शीट का नंबर क्या था, सेल्स वाला 12, उसमें जो तीन क्वेश्चन बचे हुए थे ना, ये वाले, ये देखो
पहले ये करते हैं, पहले ये करते हैं, 10th क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? 12 सेल्स हैं, ठीक है, 12 सेल्स हैं, टोटल 12 सेल्स हैं, EMF 1.5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, ठीक है, स्मॉल आर गिवन है, ई गिवन है, आर अरेंज्ड एम रोज ईच कंटेनिंग एन सेल्स, तो साफ पता लग रहा है मिक्स ग्रुपिंग है, मिक्स ग्रुपिंग है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एन एंड एम, एन बताओ और एम बताओ कितना होगा, विच इन विच कॉम्बिनेशन वुड सेंड मैक्सिमम करंट, मिक्स ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या थी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल, लिख ली, कितने सेल्स हैं 12, तो एन इंटू एम, एन इंटू एम का मतलब क्या है यहां पर 12, टोटल नंबर ऑफ सेल्स 12 है, तो एन और एम डिस्ट्रीब्यूटेड है, एन इंटू एम कितना है 12, क्लियर है, और ये कंडीशन भी लगेगी क्योंकि मिक्स ग्रुपिंग में करंट मैक्सिमम करना है, तो ये कंडीशन लिख ली। इस क्वेश्चन में कैपिटल आर गिवन है, स्मॉल आर क्वेश्चन में गिवन है, एम को मैंने यहां से क्या पुट कर लिया 12/n, सॉल्व करके क्या आ गया, एन आ गया, डन, एन आ गया तो एम आ गया, ये क्वेश्चन आता है एन और एम कैलकुलेशन करने का। तो पॉइंट समझ में आया, मिक्स ग्रुपिंग में देगा आपको, और मिक्स ग्रुपिंग में फॉर्मूला ही एक लगना है, और ये फॉर्मूला है बस। आपको अगर सीरीज आ गया तो सीरीज में देगा ही नहीं, क्योंकि अगर सीरीज में आ गया फिर आपको पता है कि सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट बैटरी का कॉन्सेप्ट लग जाता है, सारी बैटरी को उठा के एक बैटरी लगा लो आंसर। अगर पैरेलल में आ गया तो हमने किया ना इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल, वो भी आ जाए, पर मिक्स्ड ग्रुपिंग आया फिर ये लगेगा, और क्वेश्चन आएगा तो मिक्स ग्रुपिंग पे ही आएगा। क्लियर है यहां तक? मेथड समझ में आ रहा है? जैसे इसे पहले वाला क्वेश्चन है, 36 सेल्स हैं, 36 सेल्स हैं, बोल नहीं रहा सीरीज या पैरेलल हैं, 36 सेल्स हैं, ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर गिवन है, ईएमएफ गिवन है 1.5, करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर भी गिवन है, फाइंड बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग, ताकि करंट मैक्स, बेस्ट क्या होता है जिसमें करंट मैक्सिमम हो, तो बेस्ट मोड में क्या करेंगे, मिक्स ग्रुपिंग। आपको क्या पता सीरीज की प्रॉब्लम हो, हाँ कोई बात नहीं, अगर सीरीज की प्रॉब्लम होगी तो एम ऑटोमेटिकली वन आ जाएगा, अगर पैरल की प्रॉब्लम होगी तो एन ऑटोमेटिकली वन आ जाएगा, तो इसलिए अगर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मिक्स से, मिक्स में क्या है 36 सेल्स हैं, तो एन इंटू एम का मल्टीप्लीकेशन कितना है 36, क्योंकि मिक्स ग्रुपिंग है तो एक्सटर्नल इंटरनल के इक्वल है, तो कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर पता है, एन बाई एम की रेशियो आ गई, ये भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, इनको सॉल्व करके एन और एम कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ गया। तो मिक्स ग्रुपिंग में फॉर्मूला एक ही यूज होना है, मैं बता रहा हूँ आपको, और वो ये फॉर्मूला है, बात खत्म। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन हैं ये आपका होमवर्क है, होमवर्क लिखें, ये अगली बार ये आप करके आएंगे और मैं इसमें से डाउट लूँगा, ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा एक सब्जेक्टिव शीट है 13, सब्जेक्टिव शीट है 13, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं सीरीज एंड पैरेलल के जो ऑलरेडी हमने किए हुए हैं, या पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, तो ये आपने एज अ पूरी शीट एज अ होमवर्क करके आनी है, एनसीईआरटी की शीट है, तो ये 2 शीट्स का काम आपने कंप्लीट करके आना है, मैंने इसमें से डाउट्स लेने हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, जो ये फर्स्ट चैप्टर ना ज्यादातर रेजिस्टेंसेस और बैटरी को डील करता है, जो सेकेंड चैप्टर है ना वो किसमें डील करता है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना, कोई इक्विपमेंट बनाना, पोटेंशियोमीटर बनाना, डिवाइस बनाना, जैसे मीटर ब्रिज कैसे काम करता है, तो डिवाइसेस के ऊपर ज़्यादा काम करता है। तो ये जो चैप्टर है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से, किरचॉफ लॉ से, ये तो हमने किया हुआ है, ये हमने सब किया हुआ है, शीट में हमें लगाना आता है, डिफरेंस है फर्स्ट और सेकेंड लॉ का। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, सम ऑफ इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट बराबर है, या इनकमिंग चार्ज आउटगोइंग चार्ज के बराबर है पर सेकेंड, और सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि क्लोज लूप में सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, तो समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ, सम ऑफ ऑल करंट एट जंक्शन इज जीरो, सम ऑफ ईएमएफ इन अ क्लोज लूप इज जीरो, लॉ लिख दिया। थर्ड डिफरेंस है, ये ओपन या क्लोज लूप में जैसे मर्जी यूज करो, सेकेंड जंक्शन पे यूज करना है, जंक्शन कहीं से भी ले आओ, लेकिन जो सेकेंड लॉ है वो लूप लॉ है, वो क्लोज लूप में ही काम करेगा। ये मेन मेन डिफरेंसेस हैं, और थर्मिस्टर्स वो डिवाइस हैं जो हीट सेंसिटिव डिवाइस हैं।
और अपनी जो हीट को सेंस करते हैं, और ज़रा सा टेम्परेचर जब चेंज होता है तो फटाफट अपने रेजिस्टेंस को चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को जो जो थर्मिस्टर्स, इनकी प्रॉपर्टी है कि ज़रा सा टेम्परेचर चेंज होने से इनकी रेजिस्टेंस बहुत जल्दी चेंज होती है, उनको थर्मिस्टर बोलते हैं। और सुपर कंडक्टिविटी हम डिस्कस कर चुके हैं, कलर कोडिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ, पहली एप्लीकेशन वी स्टोन ब्रिज, जो आज हमने इसको यहाँ पर ख़त्म करना है, आखिरी टॉपिक है। ठीक, तो वी स्टोन ब्रिज दूसरे बैच में जो हुआ, घड़ी का देखनी बस चलने दो, जो डॉट टू डॉट, ठीक, सेम टू सेम, ठीक है। तो वैसे भी थोड़ा लेट हो जाता है ये बैच, क्योंकि वो डाउट्स भी होते हैं बहुत इसमें उसमें होता है। तो ठीक है, इसको आज डिस्कस करते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेस का। और क्या काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज में आप कोई भी मुझे अननोन रेजिस्टेंस दो, आपको सर ये रेजिस्टेंस है अननोन है, मैंने कहा इसकी कलर कोडिंग कहाँ है, आपने कहा मिट गई। अब मिट गई तो रेजिस्टेंस कैसे मेजर करूँगा? तो मैं इसको मेजर कर सकता हूँ इसकी रेजिस्टेंस बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है जो क्या करता है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें देगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है, जिसमें कुछ रेजिस्टेंसेस लेनी है, जैसे पी एक रेजिस्टेंस है, क्यू रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, और एक अननोन रेजिस्टेंस है एक्स। मैंने यहाँ एक्स लिख दिया पर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है एस की फॉर्म में, तो करेक्शन कर लेना यहाँ पर, एक्स की जगह यहाँ पर एस कर लें, एस इज अननोन रेजिस्टेंस। एस क्या है यहाँ पर? अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे को पी पता होगा, क्यू पता होगा, आर पता होगा, मुझे क्या निकालना होगा? एस निकालना होगा, ये क्वेश्चन है, राइट? आपको एक साथ में गैल्वेनोमीटर चाहिए जो इनके बीच में लगता है, तो गैल्वेनोमीटर जी जो ये बताता है कि इस वायर में करंट होगा या नहीं होगा, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है? जी। क्लियर है यहाँ तक? आपने क्या करना है इसमें, आपने इसमें सबसे पहले ये डायग्राम को ध्यान से देखना है और इसमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन जरा ध्यान से देख लेना, ये देखो ये एस है, ठीक है, करंट स्टार्ट। देखो आपने एक बैटरी लगाई और आपने इसको स्विच दबा देना है, इसको भी दबा देना है। तो आपने एक बैटरी ली जिसमें से आई करंट आया, आई करंट दो वायर में डिवाइड हो जाएगा। मान लो इस वायर में कितना करंट आया? आई वन। तो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा? आई माइनस आई वन। ये स्टेप क्लियर है? आई करंट में से आई वन ऊपर गया, बचा हुआ आई माइनस आई वन नीचे आ गया, फिर आई वन करंट ऊपर गया, फिर दो ब्रांचेज आ गई, I1 में से I2 करंट नीचे आ गया, बचा कितना? I1 माइनस I2 इसमें आ गया। ये स्टेप क्लियर है? यहां से कितना करंट आ रहा है? I2। यहां से कितना करंट आ रहा है? I माइनस I1। दोनों करंट मिलके यहां पे चले गए, तो करंट कितना हो गया? I2 प्लस I माइनस I2, I माइनस I1 प्लस I2 ऐड कर दिया। फिर ये करंट यहां से आ रहा है, यहां से ये करंट आ रहा है, यहां से ये करंट आ रहा है, दोनों मिल जाएंगे, मिलके टोटल करंट इसमें जाएगा। जब मिलेंगे तो देखो ये कैंसिल होंगे और नेट करंट वापस कितना आ गया? आई। और यही होना चाहिए था, बैटरी आई करंट दे रही है तो बैटरी को वापस भी आई ही चाहिए। तो मेरी करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? यहां से आई करंट आया, आई में से इधर कितना गया? आई वन। बचा कितना? आई माइनस आई वन, ठीक हो गया। फिर I1 में से I2 मैंने यहां भेज दिया, बचा कितना? I1 माइनस I2। इधर से आ रहा है I2, इधर से आ रहा है I माइनस I1, दोनों ऐड हो गए, तो I माइनस I1 प्लस I2। इधर से ये करंट है, इधर से ये करंट है, ऐड होके वापस करंट कितना आ गया? I। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसमें किरचॉफ का लॉ लगाना है, सेकंड लॉ। कहाँ? दो लूप्स में। पहली लूप आप ये लेंगे, दूसरी लूप आप ये लेंगे। पहली लूप में यहां से चलो स्टार्ट करते हैं, चलो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बोलो क्या लगेगा? माइनस आई वन इंटू पी, ये लग गया। फिर यहां कितना करंट आ रहा है?
आई टू, तो करंट की डायरेक्शन में माइनस आई टू इंटू जी, ये स्टेप भी क्लियर है, करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं माइनस आई टू इंटू जी, लेकिन जब वापस आ रहे हैं इस तरफ करंट हमारे कैसे आ रहे हैं, ऑपोजिट आ रहे हैं, तो करंट कितना आ रहा है, प्लस आई माइनस आई वन इंटू रेजिस्टेंस कितनी है आर, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो जब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं नेगेटिव, लेकिन करंट के ऑपोजिट आ रहे हैं तो पॉजिटिव। तो फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, कोई डाउट इसमें? फिर एक बार देखो सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड यहां बना लेते हैं, ये करंट इधर जा रहा है, करंट के साथ जा रहे हैं, तो माइनस क्यू इन टू आई वन माइनस आई टू, ये आ गया। फिर नीचे आ रहे हैं लेकिन करंट हमारे ऑपोजिट आ रहे हैं, करंट इधर जा रहे हैं हम ऑपोजिट आ रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस कितनी है एस, तो क्या बनेगा, प्लस एस इन टू आई माइनस आई वन प्लस आई टू। फिर मैं ऊपर जा रहा हूं लेकिन करंट नीचे आ रहा है, तो प्लस आई टू इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्या स्टेप क्लियर है? देखो अगर किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाना आता है फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपने दोनों लूप्स लेनी है, किरचॉफ का लॉ लगाना है और दो इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक हो गया। अब इसके अंदर लास्ट स्टेप है, आपके पास चॉइस है पी क्यू और आर, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एस की। पी क्यू आर आप अपनी मर्जी से लें, आप इसका कॉम्बिनेशन लें, हिट एंड ट्रायल करें, पहले पी चेंज करें, क्यू चेंज करें, आर चेंज करते रहें, कब तक, जैसे बी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। अगर आपने रेजिस्टेंसेस पी क्यू और आर ऐसे लेनी है कि यहां और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाए। मुझे कैसे पता लगेगा सेम हो गया, मुझे क्या पता सेम हो गया, मैं चेंज कर रहा हूं रेजिस्टेंस और मुझे क्या पता कि इसका पोटेंशियल सेम हो गया ऊपर नीचे का, कैसे पता लगेगा? गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट क्या जाएगा उस टाइम, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग क्या शो कर देगा, जीरो। क्लियर है? तो आपने पी क्यू आर की सिलेक्शन चेंज करते रहनी है। देखो तो एक हाइपोथेटिकल केस है ये आइडल, ये प्रैक्टिकल थोड़ी ना, ये तो एक थ्योरी है कि अगर हम ऐसा कॉम्बिनेशन लें पी क्यू और आर का कि पोटेंशियल सेम हो जाए, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाए, तो फिर उस केस में आई टू करंट गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा, जीरो। इस स्टेज को बोलते हैं कि ये ब्रिज बैलेंस हो गया। जब आई टू जीरो हो जाता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाएगा, ऐसे केस को क्या बोलते हैं, ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये जब मैंने लूप लॉ लगाया था फर्स्ट सेकंड लॉ फर्स्ट लूप में, तो ये इक्वेशन थी। इसको थोड़ा रीअरेंज किया, ये देखो आई वन पी को राइट पे, आई टू जी को राइट पे, तो ये इक्वेशन आ गई थी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन में आई टू जी एक तरफ, ये वाली और ये वाली टर्म एक तरफ, तो ये टर्म आ गई थी मेरे पास, दो लूप लगाई मैंने। फिर मैंने क्या किया, मैंने पी क्यू आर को ऐसे सेलेक्ट किया कि आई टू क्या हो गया मेरा, जीरो। तो जब आई टू जीरो हुआ तो एक तो ये टर्म क्या हो गई, जीरो, इधर से ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो, ये भी क्या हो गई, जीरो, ये भी क्या हो गई, जीरो। तो जो दो इक्वेशन बनाई थी उसमें आई टू जीरो पुट कर दें, तो पहली इक्वेशन क्या बची, आई वन इंटू पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर, आई टू उड़ा दिया। सेकेंड इक्वेशन क्या बची, आई वन इंटू क्यू माइनस आई माइनस आई वन इंटू एस इक्वल टू जीरो, आई टू को जीरो पुट कर दिया। इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, तो आई वन इंटू क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू एस। तो एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं तो करंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो मेरे पास क्या आएगा, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस। और यही तो था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का रिजल्ट, याद है रेशियो बराबर आ जाती है। देखो यही किया है, तो ये दो इक्वेशन बनाई हमने, इसको बैलेंस किया, बैलेंस में आई टू को जीरो किया, ऊपर वाली दो इक्वेशन तैयार होके एक ये और एक ये इक्वेशन बन गई थी। इन्हें डिवाइड किया, डिवाइड करके रिजल्ट आ गया, इसमें पी क्यू आर नोन रेजिस्टेंसेज हैं, अननोन कौन है, एस आंसर। तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज ना उल्टा पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था अब तक कि अगर पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस हो जाए
तो बीच की वायर में करंट नहीं होता, उड़ा दो। लेकिन थ्योरी में उल्टा है कि बीच की वायर में जब करंट नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू है, बात तो एक ही है। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा पेपर में तो आप पहले लिखेंगे व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है जिसके अंदर आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। फिर लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल क्या है इसका। इसका प्रिंसिपल है किरचॉफ का सेकेंड लॉ, लूप लॉ लगाया, सेकेंड लॉ। फिर लिखेंगे वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में वर्किंग में दो लूप्स लेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे। दो इक्वेशन बनाने के बाद लिखेंगे कि वी विल सेलेक्ट पी क्यू आर इन सच अ वे दैट गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ जाए, जीरो। इस केस में ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस। तो इन दो इक्वेशन में जहां जहां आई टू दिख रहा है वहां वहां जीरो। सिलेक्शन हिट एंड ट्रायल है, पी क्यू आर आप सिलेक्ट करेंगे तो करंट चेंज होंगे वायर्स में। तो आपने ऐसा पी क्यू आर का सिलेक्शन लेना है कि बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए। मैं डिस्कस करता हूं, रुको। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। आई टू को आपने जीरो कर दिया तो आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी, डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो होमवर्क क्लियर है सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपने वो दो शीट्स का होमवर्क करके आना है और उस होमवर्क को नेक्स्ट टाइम डिस्कस होना है। ठीक है, रुक जाओ। रोही और अनाहिता, यस सर, रोही ऑनलाइन हो? यस सर।